कैसी हो? और बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है? क्या हुआ अयाज? चलो, मैं वहां नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की। नहीं, मैं बहुत बिजी था। हाँ, इतने बिजी थे कि एक कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे थे। कितनी कॉलें की मैंने तुम्हें। उस रात के बाद से न जाने कहाँ गायब हो गए थे तुम। तुम्हें किसी के एहसास की कोई फिक्र नहीं है। यानी इतना वक्त गुजर चुका है कि याद भी नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है कि मैं बीमार हूँ, थोड़ा परेशान हूँ। बहुत वक्त, हम पिछले महीने ही तो मिले थे। ये आखिर यहाँ करने क्या आया है? एमरे तो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है और अयाज जैसा बंदा तुम्हारे पीछे फिर रहा है। क्या किस्मत पाई है मैंने? आई जस्ट कांट बिलीव दिस ऑल। मेरे साथ ये सब होना तो अपनी छोड़ो, मेरी सुनो। उसे कहो मैं आज कॉलेज आई ही नहीं। जाओ, उसको भेजो यहाँ से। उसको कहना कि मैं छुट्टियों पर ही चली गई, ठीक है? समझ गई ना? ठीक है, जा रही हूँ। अयाज, ए फिसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार, जीनिया को ढूंढने आया हूँ मैं। तुमने देखा है उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। आज वो आई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया। मुझे तो कुछ बताया भी नहीं उसने। चलो यार, यहाँ से चलते हैं। मेरी तो बात ही नहीं हुई उससे। मुझे ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। शाइमा, देखो प्लीज इस तरह ना करो। ओके, मैं मानता हूँ कि शायद मैं जीनिया के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो गया हूँ, मगर जावियर प्लीज, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। और प्लीज मुझे कांटेक्ट भी मत करना। अरे शाइमा, ये क्या हरकत हुई? ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं कांटेक्ट? ऐसी भी क्या सीरियस बात हो गई? मुझे नहीं पता, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हें खुद ये सब कुछ सोचना चाहिए। तुम तो उन्हें आज रात डिनर पे साथ नहीं देखना चाहते ना। ओके, आई डोंट केयर। बेशक आ जाएं डिनर पर, जैसे तुम कहो। चलते हैं डिनर पे, फिर देख लेना कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बल्कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, कसम से। प्लीज तुम मेरा यकीन करो। शाइमा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। तुम आज रात मिलोगी ना मुझसे? कॉल करके बताऊंगी। अरे रजा, जावियर। अरे यार, कितने अरसे बाद मिले। कहाँ गायब हो गए हो मेरे भाई? सही कहा, जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, लेकिन बहुत जल्द साथ में काम करेंगे। मैं आ गई। तुम कुछ लाई नहीं खाने के लिए? अरे बिल्कुल माइंड से निकल गया यार। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। यहाँ पर किसी से मिलने आया था मैं। और सब कैसा चल रहा है? बस वही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही। मुझे पता है, मैं तो खुद प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा फंस गया हूँ यार। शाइमा, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। नहीं, मैं ब्लड प्रेशर लो हो गया शायद। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके कुछ मंगा लेती हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए पानी लाऊं क्या? हाँ, ठीक है। क्या मुसीबत है। तुम देखना, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही हमारी कंपनी कितनी सक्सेसफुल हो जाएगी। चलो, ये ऊंच नीच तो हर काम का हिस्सा है, और चलता रहता। अगर रजा ने उसे कुछ बता दिया तो समझो मैं तो गई। रजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ, क्या नहीं आ सकता तुमसे मिलने? रजा देखो, हमारा ब्रेकअप हो गया है, बेहतर है एक्सेप्ट कर लो। अब जाओ यहाँ से, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। चला जाऊंगा,
लेकिन अपने सवाल का जवाब लेकर, क्या तुमने कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। नहीं यार, ये तो बहुत ही अजीब सी बूढ़ी लग रही है। ये अच्छी है। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम्हें कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं मिली? लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन अपने टेस्ट की लड़की मिलने में कुछ वक्त लग जाता है। सर आपका टेस्ट क्या है? गोरी चिट्टी, खूबसूरत आंखें, डिंपल वाली खूबसूरत स्माइल, लंबा कद, पतली नाक, चेरी रेड लिप्स, सुराहीदार गर्दन, मखरूती उंगलियों वाले लंबे हाथ, जिसे देखते ही बंदा सब कुछ भूल जाए, जो बात करे तो लबों से फूल झड़े। आप कहाँ खो गए अचानक? Excuse me, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? Of course, बैठिए ना। Actually, मैं फॉरेनर हूँ, यहाँ जॉब करना चाहती हूँ, मगर मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। No problem at all. In fact, यहाँ जॉब के लिए एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं है। आपकी तो मुस्कुराहट ही काफी है। आपके डिंपल्स, एक रिसेप्शनिस्ट के लिए सबसे जरूरी डिग्री खूबसूरती होती है। आप चाहे तो आज से ही काम शुरू कर सकती हैं। मैं आपकी पे भी डबल कर दूंगा, उसके बाद आपको खुश अखलाकी दिखानी पड़ेगी। आई मीन एक हाथ लो एक हाथ दो वाला मामला होता है, यू नो। मैं समझा दूंगी दो दो हाथ कैसे किए जाते हैं। ओह माय डियर, खुश आमदीद। कौन है ये लड़की? ये लड़की हमारी न्यू रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट नहीं, वेट्रेस। लेकिन हम तो रिसेप्शनिस्ट ढूंढ रहे थे ना, और वैसे भी ये लड़की उसी पोस्ट के लिए बहुत परफेक्ट है। इनका एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में, जरा बताइए। एक्सपीरियंस? आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हैं ना? अभी मैंने सही कहा ना? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रही हूँ, आपको कैसे पता? हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, हम तो रेस्टोरेंट के लिए वेट्रेस ढूंढ रहे हैं। तो इनको चलता करो, ओके? अरे ये काम जल्दी सीख जाएगी, और वैसे भी इसकी डिग्री बहुत साथ देगी हमारा। क्या एस्ट्रोलॉजी यानी पेट की डॉक्टरी पढ़ रही है ये? ये क्या पढ़ रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये सारा बिजनेस मेरे नाम है आई गेस, और यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, ये डिसाइड करना मेरा काम है। वाकई तुम्हारा है डार्लिंग, लेकिन जानू यहाँ हैंडलिंग तो मेरी है ना, और वैसे भी तुम ये सब कुछ कहाँ संभालती फिरोगी डार्लिंग? अरे डार्लिंग, बहुत आराम कर लिया। मैं आज से तुम्हारे साथ आया करूँगी तुम्हें हेल्प करने के लिए। आजा लड़की, तुम्हारा इंटरव्यू करें वेट्रेस के लिए, कम ऑन। मैं बाद में आ जाऊंगा। आइए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हैव अ गुड डे शामी। सीबल मैडम, सी यू लेटर। एक्सक्यूज मी, हमारे लिए जरा पानी ले आना। मैं कुछ पूछ रहा हूँ शाइमा, मुझे जवाब दो। शाइमा, तुम जवाब क्यों नहीं देती? ये मेरे काम की जगह है, अपनी आवाज नीचे रखो। क्या बात है शाइमा? कुछ नहीं डियर, अभी आई। तुम होते कौन हो मुझसे किसी भी किस्म का कोई सवाल करने वाले? मैं तुम्हारी बीवी नहीं जो जवाब दूं तुम्हें। तो और क्या हो शाइमा, मैं अपनी बीवी को छोड़ चुका हूँ और आजकल एक हॉस्टल में रहता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शाइमा। ये सब कुछ मुझे उस दिन घर से निकालने से पहले करना था, अब सब खत्म हो गया, बेहतर है कि मान जाओ। उसे तलाक दे रहा। ओके, तो क्या आप बता सकती हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या बिकता है? इस रेस्टोरेंट में यहाँ पर तो सब कुछ मिलता होगा। हाँ बिल्कुल सब कुछ, यानी आपको कुछ नहीं पता। डार्लिंग, तुम स्ट्रिक इंटरव्यू नहीं ले रही हो। डियर हस्बैंड, प्लीज खामोश रहिए। बताइए, क्या सोचती हैं आज से कुछ सालों बाद आप क्या बनना चाहेंगी, वेट्रेस के अलावा?
फ्यूचर के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। एक्सलेंट, अच्छा किया। दिस इज इनफ। शामिर, अब मैं आपसे वेटर्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपको कितना पता है। जी बिल्कुल। आप एक बस में कितनी गोल्फ बॉल भर सकती हैं? दोबारा पूछिए। एक बस में कितनी गोल्फ बॉल आ सकती है? ये तो बहुत आसान सवाल है। तो फिर जल्दी से जवाब भी दे दीजिए प्लीज। मेरे ख्याल में तो हजारों आ ही जाएंगी। ओके, तुर्की में इन टोटल कितने गैस स्टेशन आपको मिल जाएंगे? दोबारा पूछिए। ओह माय गॉड, आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी वीक है यू नो। तो क्या ख्याल है हम थोड़ा लिटरेचर के बारे में बात करते हैं? आप किताब लिखें तो उसका नाम क्या रखेंगी? आरज़ूए हयात रखूंगी उसका नाम। बहुत अच्छा नाम है। बहुत घटिया नाम है। ओके, आपको किसी मशहूर शख्सियत के साथ डिनर पे जाने के लिए कहा जाए तो किसके साथ जाना चाहेंगी? कोई खास पसंद? किसी फेमस हीरो के साथ। आई सी, पैसा 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई मैकेनिज्म बनने के लिए कहा जाए तो क्या बनेंगी आप? मोटर इंजन। मुझे यकीन था आप यही कहेंगी। हाँ, क्योंकि इंजन के बगैर तो कुछ नहीं चलता। ओके, बहुत शुक्रिया मिस आयतन, जरूरत पड़ेगी तो हम कॉल कर लेंगे। आरज़ू। आपको नाम याद है इनका? ओके, मैं चलती हूँ। बाय। तुम्हें उदासी हो गई? अरे मैं तो यहाँ के लिए पहले ही सिलेक्शन कर चुकी हूँ। अरे तुम फिक्र नहीं करो, थोड़ी देर में आती ही होगी। हुँ? मैंगो पे कितना अच्छा स्टॉक आया है, देखो यार। तुम कितनी शॉपिंग करोगी, मैं थक गई हूँ, शाम से निकले हुए हैं। वाओ, ये हैंडबैग तो देखो जरा। मुझे नहीं देखना है कुछ, मुझे घर जाना है। चलो अब तुम चलो भी यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। ये कितना प्यारा है, ये कितना अच्छा कलर है। जरा सुनिए, ये क्लच पैक कर दीजिए। जी जी मैडम। उफ अल्लाह, ये वाला भी कितना अच्छा है। ये वाला भी पैक कर दो। ये भी अच्छा है। इसका ब्लू पेयर भी प्लीज। ठीक है मैडम। तुमने यहाँ पे कुछ पसंद किया है? नहीं यार, मेरे टेस्ट का कुछ भी नहीं है यहाँ, सारे हील्स हैं। मुझे तो यहाँ पे जो पसंद है मैंने फौरन खरीद लिया। लकी यू। जरा पकड़ना। जी भाई बोले, क्या बात है? जल्दी से रेडी हो जाओ। श्योर, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। भाई आ रहे हैं हमें लेने। हाँ भाई, ये वाला बैग कितना अच्छा है। हाँ हाँ, बस वही कॉर्नर वाला रेस्टोरेंट है। अरे बाबा, कॉर्नर में नजर आ जाएगा, पूरे इलाके में एक ही है। ठीक है, ओके ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही। बाय। अब किसे आयर कर रही हो यार, मैं कर लेता नहीं ये सब। अरे क्या मतलब सब कर लेते तुम? वो बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती है, मजबूत है, एक एक काम में माहिर है वो, ऊपर से खूबसूरत भी है। सच कह रही हो तुम? आगे देखो वो। गुलनाज यहाँ। हाँ आओ। हेलो सिबल। हेलो गुलनाज। देखो शामिर, ये मेरी मॉम के घर काम करती थी, मैंने बुला लिया। गुलनाज, ये है मेरे हस्बैंड शामिर, पूरा रेस्टोरेंट संभालते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा हाथ छोड़ दें। आप फिक्र ना करें, मैं फौरन ही काम संभाल लूंगी। चलो ठीक है, आओ मैं तुम्हें पूरा रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। आओ किचन दिखाते हैं। यही मिली थी क्या? ऊपर से हर वक्त का एक जासूस, मैं तो मारा गया। भाई मेरे ख्याल से वो पहली वाली लड़की ठीक रहेगी,
और यकीन करें मेरी बात का, जिस औरत को मैम सिविल ने रखा है ना, उसका एक ही काम होगा, आप पे नजर रखें। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें मैं ही मिला था। जाओ जाके कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अभी लाया। ये फूल मेरे लिए हैं? तुम्हारे लिए? मेरे लिए दोस्तों से कहीं बढ़के हो। समझ नहीं आ रहा कि मैं शायमा के लिए क्या लूं, फूल लेके जाऊं या फिर मेकअप का सामान। बोलो ना, क्या आंखें फाड़ के देख रही हो जीनिया? जीनिया, उफ यार, मैं भी किससे मशवरा करने लग गया। अगर किसी लड़के ने मुझे फूल ऐसे ना लाके दिए ना, जैसे भाई शर्मा के लिए फूल खरीद रहे हैं, तो कसम से खुदकुशी कर लूंगी मैं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा भाई शायद कुछ परेशान है। वाकई? चलो देखते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ डिसाइड नहीं किया? क्या शर्मा आपसे नाराज हो गई है? नहीं, नाराज नहीं हुई, बस बहुत फनी सी बात है। बस मैं तो उसकी बात पे हैरान ही होके रह गया। मैं अयाज से जेलिस नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ उसे ये समझा रहा था कि जीनिया के लिए प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा था कि उसे हर्ट ना करे, क्योंकि मैंने उससे कहा कि जीनिया बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। लेकिन ये आपकी बहन नहीं है। हाँ, शायमा ने भी बिल्कुल सेम यही कहा जो तुम कह रही हो। यानी शायमा जीनिया से जेलिस हो रही है? जीनिया? हाँ, नहीं, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वो बेवकूफी कर रही है और हमने फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। और हाँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये स्टफ वेयर कैसा लगेगा फूलों के साथ? बहुत बहुत क्यूट। रियली? हमारी एज के मुताबिक तो है ना, शायमा कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएगी ना? हाँ जीनिया, तुम बताओ। मुझे मिलते तो मैं तो बहुत खुश होती। हाँ मैं भी। अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं ये ले ही लेता। हेलो, मुझे ये पैकेज डिलीवर कराना है। राइट। पिज़्ज़ा, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, मैं जा रही हूँ। ओके, ठीक है, मगर एमरे मोहल्ले में तुम्हें मिले तो मुझे बताना, मुझे उससे बात करनी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, प्लीज। ठीक है, तुम परेशान मत हो। बहुत शुक्रिया। शायमा, ये तुम्हारे लिए आया है। आह, थैंक्स। हेलो, कितना क्यूट गिफ्ट भेजा है। मुझसे भी ज्यादा क्यूट है क्या? नहीं, तुम ज्यादा क्यूट हो। आज रात को मिल रही हो ना मुझसे? ठीक है, मैं 9 बजे तैयार रहूंगी। सी यू। ओके, गुड, खुदा हाफिज़।
शायमा। हाँ अयाज, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जीनिया का वेट कर रहा हूँ मैं, सुबह से कॉल नहीं उठा रही। अच्छा, मेरी बात नहीं हुई उससे, लेकिन अभी वापस आने वाली है, उसी के घर जा रही हूँ। ओके, ये क्या है? यार, ये डफर सुबह से मेरे पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं उसे मैसेज दे दूंगी कि तुम्हें कॉल कर ले। ओके, सी यू लेटर। यार जल्दी जाओ। जाओ जाओ, वापस मत आना। एमरी कैसे हो तुम? ठीक, तुम किससे चुप रही हो? किसी से नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कैसे हो, कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? मेरी फिक्र? परेशान ना हो, मैं तो ठीक हूँ। नहीं हो तुम ठीक, किस बात से परेशान हो? एमरे पैसेंजर है क्या? नहीं, बस मैं स्टैंड ही वापस जा रहा हूँ। पैसेंजर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से पहुँच जाओ। मुझे अब जाना होगा, बाद में मिलते हैं फिर। मैं आ रहा हूँ बॉस, बस रास्ते में हूँ। फिजा, मुझे अभी मोहल्ले में एमरे मिला, लेकिन मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकी, उसे जाना था, वो जल्दी में था। यानी वो तुम्हें मोहल्ले में मिला और पैसेंजर लेने चला गया। चलो ठीक है जीनिया, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकोगे? फोन का जवाब ना देने से क्या होगा? तुम समझती होगी मैं तुम तक पहुँच नहीं पाऊंगा। यार एक तो ये मेरे पीछे पड़ गया, जान क्यों नहीं छोड़ा ये मेरी? अगर ऐसा सोच रही हो तो बिल्कुल गलत है। ओ मेरे खुदाया, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी पता क्या है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम शायद मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाओगी। एहसान फरामोशी, झूठ बोलना, कुछ और बताऊं क्या? ठीक है, मान लिया कि तुम सही हो, लेकिन अगर मैं तुमसे मिल भी लेती तो क्या कहती तुमसे? यानी मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी तुमसे बात करते, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। शर्मिंदा तो होना चाहिए तुम्हें, तुमने मुझे यूज किया, लेकिन इस गलती की माफी तुम्हें एक ही तरीके से मिलेगी। कोई सजा देने वाले हो मुझे? आज रात तैयार रहना, डिनर पे जाना है। क्या? और कुछ ढंग के कपड़े पहन के आना। मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पहले तुम्हें लड़की बनना होगा। सुनो, कहां लेके जाओगे मुझे? मैं और तुम, जावियर और शायमा, कपल डिनर। क्या? सारी जिंदगी नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ? कभी नहीं, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने मान लिया कि वो भी मोहब्बत करती है? तुम जीनिया के बारे में ही बात कर रही हो ना शायमा? मुझे तो हैरत हो रही है ये बात सुनके। आंटी, ये सुनके हैरत तो मुझे भी बहुत हुई थी। कैसा लड़का है वो, क्या तुम उसे जानती हो? जी, वो जावियर का ही पार्टनर है और बहुत अमीर घराने से ताल्लुक है उसका। ओह माशाल्लाह, मैं अपनी जीनिया को कभी उदास नहीं देख सकती। हाँ, मैं अब उसे इतना ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन बुरा इंसान नहीं लगता। आज शाम हम डिनर साथ करेंगे, तब मुझे मालूम होगा उसके बारे में कुछ। हाँ, ये हुई ना बात। शायमा शुक्रिया, गुड गर्ल। गुल, वक्त कितनी तेजी से बीत गया, हमारी बेटियाँ बड़ी भी हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं जब शायमा की उम्र की थी तो ये मेरी गोद में आ चुकी। हाँ गुलशरीन, बिल्कुल सही कहा, आजकल के नौजवान बहुत जहीन है, आगे आने वाली नस्ल बेहतर होती जा रही है। मैं एक मिनट में आई। सुनो, क्या वो जावियर से ज्यादा दौलतमंद है? हाँ शायद।
तो फिर तुमने उसको क्यों नहीं फंसाया? जीनिया को देखा है तुमने? ओफ अम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का उसके साथ सीरियस है। वो बस टाइम पास करता है, असल में वो ऐसा ही है, वो तो शादी भी नहीं करेगा। तो फिर ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो, कैसी हो जीनिया? ठीक हूँ। कुछ सुना तुमने? एक खुशखबरी और भी है, अब तो शाइमा भी तैयार हो गई है, अब तो दो शहनाइयां बचेंगी। सॉरी, क्या मतलब? बहुत बड़ी हो गई है मेरी जीनिया, और तो और माँ को भी आखिर में पता चल रहा है शादी का। आप लोग किसकी शादी की बात कर रहे हैं? अरे, तुम्हारे और अयाज के बारे में बात हो रही है। हार्ट शेप चॉकलेट्स भी और लव नोट्स भी, माशाल्लाह, हैरान कर दिया, बहुत कुछ छुपाने लगी हो आजकल। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही जरा। अरे, लग तो ऐसा रहा है जैसे किसी ने तुमसे जबरदस्ती ये सब करवाया है। वो अयाज ही है ना जिससे तुमने मोहब्बत का इजहार किया है? हाँ हाँ, वही है, अयाज ही तो है। मैं तो बस हैरान हो गई, तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? हाँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं रह सकता मेरी जान, जितना भी तुम छुपाना चाहो। अयाज तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था, तुमने देखा? हाँ, देख लिया। अच्छा, तो तुम्हें आज शाम की मुलाकात का भी पता होगा। चलो तैयार होते हैं, डबल डेट, कितना मजा आएगा। तुम क्या पहनोगी? चलो आओ, ड्रेस निकालते हैं कोई अच्छा सा। हट जाओ वहां से, गाड़ी है। क्या कर रही हो तुम बीच रास्ते में? जानती भी हो कि मर सकती थी। लेकिन तुम थे ना मेरे साथ। तुम ठीक तो हो? मेरे पांव में मोच आ गई है। फिजा, क्या हुआ है? शायद मेरे पाँव में चोट लग गई है। चलो फिर हॉस्पिटल चले। नहीं, थैंक यू, आई एम फाइन, तुम अच्छा, फिक्र नहीं करो। उफ़ अल्लाह, ज्यादा हिलना मत। उफ़, आराम से, आराम से। आई बेचारा, मुझे दे दो। ये पहन लो तुम, ठीक है? ये बहुत प्लेन ड्रेस है, मैं आज कुछ कलरफुल पहनना चाहती हूँ। अच्छा, आप कौन सा? ये देखो, ये बहुत डार्क है, कोई और। फिर क्या पहनोगी? ये कैसा है? ऐसे कैसे पता चलेगा, तुम पहनो तो पता चले ना। ठीक है। आपका दिया हुआ ऑर्डर मिस्टर जावियार के लिए भेज दिया गया है, फ्रॉम नजर चॉकलेट्स। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, स्टुपिड गर्ल। मैं अनम डाइनर का असिस्टेंट हूँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी कॉल का वेट करेंगे, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, तुम्हें अब इंतजार करना होगा।
मैंने एक फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं किसी दूसरे मुल्क सेटल होने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। अन्ना मैडम तो मुझे मार डालेंगी। कैसा लग रहा है? नाइस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वाकई में? चलो फाइनली तुम्हें भी अब कोई पसंद आ ही गया, लेकिन तुम्हारी पसंद को दाद देनी चाहिए। तुम फर्स्ट टाइम किसी से डेट कर रही हो ज़ीनिया। साफियार ने भी बहुत तारीफ की तुम्हारी आयास के सामने। बहुत अमीर, कामयाब और हैंडसम। ज़ावियार भी बहुत खुश है, वो चाहता है कि तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ और अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ डिनर के लिए। चलो अब मैं भी घर जाके तैयार होती हूँ, डिनर पे मिलते हैं। ठीक है। माय गर्लफ्रेंड, खबरदार हो जाए आइंदा ऐसे बुलाया तो। हाँ तो फिर क्या, माय लव कह के बुलाऊं? मैंने डिवोर्स का डिसाइड कर लिया, फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा हो। सोचने के लिए वक्त लो और मुझे एक मौका दो। साफियार मैं बहुत लकी हूँ। मैं भी। बेबी कसम से अभी आके सिर्फ तुम्हें ही देखती हूँ और किसी को नहीं देखती। इतनी सी भी गलती करोगी ना तो मैं तलाक दे दूंगी। I'm not afraid.